राहुल गांधी ने हाल ही में दुनिया की सबसे मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट सभा को संबोधित किया। इस सभा में हुई बातें बाहर आई हैं, जिसके बाद भारत में कई लोग भड़के हुए हैं, इसे देश विरोधी बातें बता रहे हैं और अब तो बीजेपी भी इसमें कूद गई है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को घेर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, पहले आपको सुनिए। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, I think it's a very sad day when you have somebody like Rahul Gandhi who does not understand the implication of his words, who does not understand the opportunity that India is currently leading in terms of his G20 presidency and makes these frivolous comments. It's quite unfortunate. It's not just a deliberate attempt to undermine India. It's a deliberate attempt to undermine India's institutions. I sometimes wonder who writes Rahul Gandhi's scripts. Is it some foreign powers? Do they dictate to him the timing of his speeches, the timing of his interventions, what he must say? दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो ये तक कह दिया कि पेगासस कहीं और नहीं है बल्कि राहुल गांधी के दिमाग में है। अनुराग ने आगे कहा कि देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जितना प्यार दिया है, साल 1984 के बाद 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को मिला है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA मिला, और लोकतंत्र में जनता के समर्थन से बड़ा कुछ और नहीं होता, और ये बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही आया है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने बातें क्या की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अपना जिक्र किया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भारत में लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, भारत में मीडिया और न्यायपालिका पर नियंत्रण किया जा रहा है। राहुल ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के टुकड़े टुकड़े करने पर तुले हुए हैं और वो देश के ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पेगासस पर भी अपनी बातें रखी। राहुल ने कहा कि उन्हें एक खुफिया अधिकारी ने सचेत किया था कि उनके फोन में भी पेगासस है और उनकी जासूसी करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को एक सीरियल ऑफेंडर भी बताया है। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।